आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के न्यूज देखें तो बोनस से भी बड़ी न्यूज आते हुए दिखी है, और वो न्यूज ये है कि नीलांचल इस्पात निगम के एक्विजिशन के बाद उसके ऑपरेशन को देखेंगे। यहाँ लाइटिंग ऑफ इट्स ब्लास्ट फाइनेंस के बाद 90 डे के एक्विजिशन पहले हुई थी और इस समय अगेन ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। यहां देखेंगे कि उड़ीसा बेस्ड नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड हैज स्टार्टेड ऑपरेशन नियरली 90 डेज आफ्टर इट वाज एक्वायर्ड बाय द टाटा स्टील सब्सिडरी, जो कि टाटा स्टील की सब्सिडरी थी, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, जिसके द्वारा एक्विजिशन किया गया है। और उस एक्विजिशन की बिडिंग थी अराउंड 12,000 करोड़ का। और ये प्लांट का ओवरऑल कैपेसिटी देखें तो 1.1 मिलियन टन्स स्टील मेकिंग कैपेसिटी है, जो पिछले लगभग 2 ईयर से क्लोज थी। तो इस समय ये एक बड़ी खबर है टाटा स्टील के इन्वेस्टर के लिए। और इस समय इस स्टॉक को ट्रेंड को देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, और ये मेटल सेक्टर को पिछले लगभग 1 वीक से आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल इस समय हमने देखा कि मार्केट में जो सेंटिमेंट सेलिंग का दिख रहा है, जिसके कारण ओवरऑल सभी स्टॉक वीक लग रहे हैं। लेकिन एक बार इस स्टॉक ने 100 के नीचे के लेवल को टच करने के बाद अराउंड 98-96 के प्राइस के बाद काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करते हुए दिखा है। मेरा पर्सनली व्यू शॉर्ट टर्म में बुलिश है। जिस प्रकार से स्टॉक ने निफ्टी मेटल को आउट परफॉर्म किया, आने वाले अगले रैली में श्योरली ये स्टॉक आउट परफॉर्म करने वाला है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो नियर अबाउट 96 के नीचे कैसल को लगा करके 108-112 के टारगेट को ले सकते हैं, और जो इन्वेस्टर हैं बिल्कुल भी सेलिंग करने की गलती नहीं करे। इस स्टॉक में 140-160 तक के इजिली लेवल विद इन 3-5 मंथ के ड्यूरेशन में दिखने वाला है। यहां से पैनिक सेलिंग करने की बिल्कुल गलती नहीं करनी है।